एजुकेशन के अंदर अगर कोई टफेस्ट कोर्स अगर माना जाता है तो वो नाम आता है यूपीएससी का, या सिंपल भाषा में हम कहें आईएएस की परीक्षा। तो अब हम हमारी सीरीज के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम हर कोर्स के बारे में डिटेल में आपको अलग अलग वीडियोस के थ्रू बताएं कि एजुकेशन में क्या क्या करियर संभावनाएं हो सकती है। तो उसी प्रयास में आज हम जानेंगे यूपीएससी कोर्स के बारे में। आज हमारे साथ इस वीडियो में हमारे साथ जो मौजूद है वो है उड़ान आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा जी। इनसे हम जानेंगे कि यूपीएससी एग्जैक्टली है क्या और आईएएस कैसे बना जा सकता है, या आईएएस से जुड़ी जो बाकी और जो सेवाएं हैं इसके अंदर उसका क्या स्कोप है, परीक्षा में क्या एलिजिबिलिटी होती है आईएएस की, क्या पासिंग परसेंटेज है, किस तरह के सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है, वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ अभिषेक जी का बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपने हमें टाइम दिया, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उन बच्चों के लिए आप ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे, एक जगह पे ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे कि वो इस पूरे कोर्स को अच्छे से जान जाएं, इसके प्लस इसके माइनस सभी हम कोशिश करेंगे हम इनसे कवर करें। तो सर मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपसे ये है कि आईएएस की परीक्षा कौन सा बच्चा सर दे सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मंच पर मुझे बुलाया। थैंक यू सर। मैं अभिषेक शर्मा, उड़ान आईएएस का डायरेक्टर, और मैं आज कोशिश करूंगा कि हर संभव आपको पूरी सूचनाएं दूं। हाँ जी सर। तो सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, हाँ जी कि हाँ क्या जी एलिजिबिलिटी है। तो इसमें कम से कम आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक 21 है से लेकर 32 तक जनरल कैटेगरी की, ठीक है जी 21 से लेकर 35 तक ओबीसी की, ठीक है और जी 21 से लेकर 37 तक SC ST की। ओ, सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो 21 वर्ष की जो मिनिमम आयु बता रहे हो, जब बच्चा फॉर्म भर रहा है उसी टाइम 21 वर्ष की आयु चाहिए, या जिस समय एग्जाम में प्रेजेंट होगा, अपियर होगा, उस समय ये एज देखी जाती है? जिस समय वह फॉर्म भरेगा उस ठीक समय है उसकी जी 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ओके 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 लेकिन साथ साथ में अगर वह ग्रेजुएशन कर रहा है हाँ जी तो ग्रेजुएशन के अगर एग्जाम दे रहा है, एग्जाम से पहले भी वो फॉर्म भर सकता है। ओके लेकिन हाँ जब मेंस और रिटन का एग्जामिनेशन होता है तो जी उसके लिए उसकी डिग्री उससे पहले मिल जानी चाहिए, अक्टूबर से पहले। हाँ, मतलब इसमें मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही करने वाला था कि जैसे अभी आपने ये प्रीलिम्स मेंस आई थिंक आप ये बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, डिटेल में बताइए कि ये आईएएस का एग्जाम जैसे आप बोल रहे हैं फॉर्म भरना और फिर मेंस का एग्जाम, कैसे सर ये मतलब स्टेप बाय स्टेप आईएएस का प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम कितने एग्जाम होते हैं, किस स्टेज में एग्जाम होते हैं, भी वो सब चीजें हम आपसे जानना चाहेंगे ताकि बच्चे जो बच्चे देख रहे हैं उनको डिटेल में पता लगे कि रियलिटी में इसकी स्टेजेस किस तरीके से होकर गुजरता है आईएएस का पूरा कोर्स। एक्चुअली ये आईएएस का जो कोर्स है पूरे एक वर्ष चलता है। इस एक वर्ष में तीन स्टेप होते हैं। पहले बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी उसके बाद होते हैं मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है जी मेंस एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, सब्जेक्टिव मतलब पूरा सब्जेक्टिव लिखना होता है, डिटेल रिटर्न में लिखना होता है, होता है। ठीक है। उसके बाद होता है इंटरव्यू। ठीक है तो जी पूरे एक साल तक यह एग्जाम चलता है। ठीक है सर इसमें 10 लाख के आसपास लोग फॉर्म भरते हैं, स्टूडेंट फॉर्म भरते ओके सर हैं। ओके। उसमें से 3 से 3.5 लाख लोग एग्जामिनेशन देते हैं प्रिलिमिनरी। ये फर्क का कारण सर जैसे 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, पेपर आप कह रहे हो 3 साढ़े 3 लाख बच्चे दे रहे हैं, तो ये किस कारण इतना गैप आ जाता है उसका सर? बड़ा सबसे बड़ा कारण यह है कि कई लोग अनसर्टेन होते हैं एग्जाम देने के लिए, हम दें या ना दें। क्योंकि ठीक है जी उसमें क्या होता है, अगर आप परीक्षा में बैठ गए ठीक तो है आपका जी अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ओके इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट इसी हिसाब से इसलिए ये एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं कि कहीं उनका अटेम्प्ट गिना ना जाए। गिना ना जाए ओके ओके। मतलब अब इसमें एक सर सेकंड क्वेश्चन और बीच में ही उठ के आ रहा है कि आपने पहले हमें आयु बताई कि 21 साल से 35 साल, 32 साल, 37 साल जो आपने एज बताई, मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी मतलब लिमिटेड है। हाँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी के लिमिटेड है, ओबीसी के 7 है, और SC ST के अनलिमिटेड है, जनरल कैटेगरी के 6 अटेम्प्ट है, छह 6 अटेम्प्ट अटेम्प्ट है। मतलब जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं उनकी ये बात दिमाग में रखिए कि आपकी मिनिमम एज 21 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 32 साल की होनी 32 साल की होनी चाहिए, चाहिए। और आपको इस एज के बीच में 6 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, 6 बार ही आप आईएएस की परीक्षा दे पाएंगे। अगर आप ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 और मैक्सिमम 32 की 35 हो जाएगी, हाँ, और आपके अटेम्प्ट सर अटेम्प्ट कितने होंगे अटेंड सर? नो होंगे। नो हो जाएंगे, ओबीसी कास्ट में 9 अटेम्प्ट हो जाएंगे, और एससी कास्ट के लिए मिनिमम एज 21 साल ही रहेगी और मैक्सिमम एज सर 37 37 साल की रहेगी, और अटेम्प्ट की कोई अनलिमिटेड लिमिटेशन है। नहीं है, मतलब एज लिमिट तो फिर भी रहेगी। हाई लिमिटेड अगर रहेगी। एससी कास्ट के भी अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो एज लिमिट उनके 37 साल की लेकिन रहेगी। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जो एक्स सर्विसमैन है,
हाँ जी हाँ जी, जो आर्मी बैकग्राउंड से उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, उनके बच्चों को रिलैक्सेशन है, उनको खुद को, अच्छा खुद को, हाँ 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है उनको। मतलब अगर कोई फौज से अगर 30 साल के एज में रिटायर हो गया, 35 साल के एज में रिटायर हो गया, तो देन वो 10 साल के लिए उसको एलिजिबिलिटी मिलती है। ये भी बहुत अच्छी बात है सर। तो ये तो एलिजिबिलिटी कंडीशन हमने देख ली। और सर आप जैसे बता रहे थे कि प्रीलिम्स हो गया जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और देन मेंस हो गया सब्जेक्टिव टाइप होता है, और फिर इंटरव्यू हो गया। अब सर हम प्रीलिम्स को पिक करते हैं। पहले प्रीलिम्स में सर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर है वो कितने पेपर होते हैं सर? एक्चुअली जो जीएस के पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। जीएस मतलब जनरल स्टडी। जनरल स्टडी, जनरल स्टडी में हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी कई सब डिवाइडेड सब्जेक्ट है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के पीटी में 5 सब्जेक्ट है, उसके अलावा पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, साइंस टेक्नोलॉजी का, एनवायरनमेंट का, करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल अफेयर्स का, ऐसे कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ओके ओके, एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है। जनरल स्टडीज की बात, जनरल स्टडी की बात, पहले पेपर की बात कर रहे हैं आप? पहले पेपर की बात करो, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है जी, 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड पेपर होता है सी सेट का, ठीक है। ये मैं पीटी की व्याख्या कर रहा हूँ। प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर 2 पेपर क्या बता रहे हैं? पहला पेपर आपने जीएस बता दिया, जनरल स्टडीज बता दिया, जिसमें आपने टोटल कितने सब्जेक्ट बताए सर? टोटल 9 सब्जेक्ट बताए। 9 सब्जेक्ट बताए, 9 सब्जेक्ट्स में से 100 नंबर पेपर आएगा, और आई थिंक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना आएगा ये प्री डिफाइंड नहीं होता है, अंदाजा हम लगा सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कभी कोई सब्जेक्ट 4 नंबर का आ सकता है, कभी कम नंबर का भी आ सकता है। आपको 9 के 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब हम बोले जनरल स्टडीज का पेपर की हमने तैयारी की है। और वो एक देसी भाषा में बड़ी कहावत मशहूर है कि आईएएस का सिलेबस कितना है, कि जितना सूरज तले दुनिया है वो सबकी सब आईएएस के सिलेबस में आती है। इसमें भी एक बात रेक्टिफाई करना चाहूंगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि आईएएस का जो सिलेबस है वो सीखने के लिए है, कि जीवन को कैसे सीखा जाए। ओके ओके, इसमें कोई रट्टा मारना याद करने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो आईएएस में कैपेबिलिटी से ज्यादा एप्टीट्यूड देखा जाता है, एप्टीट्यूड कैसे है उस बंदे का, क्यूरियोसिटी है या नहीं है उसको सीखने की। हर चीज में वह बाहर घूम रहे हैं, बिल्कुल मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी में रह रहे हैं, तो देखिए कि मार्केट कैसे चलती है, ठीक है, मतलब बाहर ऑब्जर्वेशन पावर, बाहर की चीजों को पढ़ाई से लिंक करना, ये एक खास बात है आईएएस के एग्जाम में। ओके 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 ओके, ठीक है सर। तो जीएस की तो हमने बात करी, जनरल स्टडीज में आपने 9 सब्जेक्ट बताए, 100 नंबर का पेपर बताया, और कितने क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर? 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है। और सेकंड आप सी सेट बता रहे हो? सी सेट बता रहा हूँ, जो मैंने पहला पेपर बताया जीएस का, उसी से मेरिट बनती है। मतलब इसमें जिसके नंबर जितने ज्यादा होंगे वो मेंस लिख सकता है, ठीक है जी। अब नंबर दूसरा हो गया सी सेट। ओके, सी सेट में मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इन सबसे रिलेटेड 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। और इन में कम से कम 33% नंबर लाना जरूरी होता है, लेकिन इनके मार्क्स काउंट नहीं होते। मतलब क्वालिफिकेटरी है, आपको सिर्फ पास होना है, आपको 80 क्वेश्चन, कितने मार्क्स का हर क्वेश्चन? 2 मार्क्स का कैसे सर? 2.25 मार्क्स का, 100 मतलब सॉरी 200 मार्क्स, 200 नंबर का सी सेट का एग्जाम होता है, और उसमें आपने केवल 33.33% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप इतने मार्क्स आ गए तो आप सी सेट में पास माने जाओगे, ज्यादा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। तो आपको बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें मैंने ये भी सुना है कि जो बच्चे बाकी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए सी सेट क्लियर करना इजी रहता है, बहुत हाई लेवल के मैंने सुना है कि इसमें क्वेश्चंस नहीं होते सी सेट के अंदर। तो मतलब आपको सी सेट की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, नो डाउट इग्नोर करोगे तो ज्यादा भारी पड़ेगा, लेकिन बेसिक्स की स्टडी करके आप नॉर्मल आप सी सेट क्लियर कर सकते हो। लेकिन सी सेट जो जीएस जो आपने बताया मेन मेरिट वहां से निकलेगी, और उस पर आपने सारा ध्यान देना है, उस पर सारा ध्यान। मेरिट का मतलब सर आपका ये है कि अगर यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बोर्ड है, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि हमें प्रीलिम्स के अंदर 20,000 बच्चे पास करने, एग्जांपल, तो जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो बच्चे पेपर देने गए हैं, लेट्स सपोज 4 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो 4 लाख के अंदर से जो टॉप के 20,000 है, जो टॉप की 20,000 रैंक है, वो प्रीलिम्स में क्लियर होगी, प्रीलिम्स में क्लियर होगी। साथ में एक बात और जोड़ूंगा मैं, हाँ जी हाँ जी, कि जीएस में कम से कम आपको ये टारगेट करना चाहिए कि 50 से 55 क्वेश्चन ठीक हो जाए मेरे। ओके, 50 से 55 क्वेश्चन होना, ठीक होना बहुत बड़ी बात, 100 में से 100 में से, ठीक है, वेरी गुड, हाँ ठीक है। और ओबीसी के लिए 3-4 नंबर कम है, ठीक है, एससी के लिए थोड़े और कम है, ठीक है। तो
आपको टारगेट करना है कि 55 क्वेश्चन कम से कम आपके ठीक हो सके जीएस के अंदर, तब आप इलिजिबल होंगे। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है नेगेटिव मार्किंग सर? इसकी है 0.33, मतलब 1/3। हाँ, 1/3। तीन क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन को भी खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे, मतलब हुआ ना सर। तो प्रीलिम्स आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया है सर। जी सर, प्रीलिम्स में दो पेपर, सम अप कर रहा हूँ। पहला जीएस जिसमें 9 सब्जेक्ट है, 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको मेरिट बेस पे ये आपको मेंस की तरफ लेकर जाएगा। दूसरा पेपर सी सेट का जो पेपर है वो क्वालिफिकेटरी है, आपको केवल 33% मार्क्स लेने हैं। अब सर नेक्स्ट आता है मेंस। मेंस आपने कहा कि 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 3-4 लाख लोग पेपर देते हैं, उसमें से आई थिंक आपने कितने एवरेज कितने पास होंगे सर? प्रीलिम्स में कितने बच्चे पास होंगे? 20 से 25 हजार बच्चे पास होंगे। अब वो जो मेंस में आए हैं सर, अब वो मेंस में उनको क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है सर मेंस में? अब जीएस में तो एक ही दिन पेपर होता है, पीटी का 2 घंटे का। हाँ जी, लेकिन जो मेंस होता है, मेंस में रिटर्न पेपर होता है और कम से कम ये 5 दिन चलता है। हर रोज 6 घंटे का पेपर होता है, 6 घंटे का एक पेपर होता है। हाँ देखिए कि जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। 250 नंबर का एक पेपर होता है, तो 1000 नंबर का होगा जीएस। मैं इसे बीच में रुकूंगा, मतलब वही जनरल स्टडी जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है, कहीं ना कहीं वही थोड़ा बहुत चेंज होगा, वही जनरल स्टडी जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो दोबारा मेंस में आ रहा है, 4 पेपर बन, 4 पेपर बन के, लेकिन एथिक्स का छोड़कर, एथिक्स अलग हो गया, एथिक्स अलग, एथिक्स प्रीलिम्स में नहीं है। तो जीएस के 4 पेपर तो आपने ये बता दिए, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद सर जीएस में इसमें भी 4 पेपर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, ठीक है जी, हिस्ट्री में बांटा गया है, पॉलिटी में, इकोनॉमिक में, ज्योग्राफी में, साइंस टेक्नोलॉजी में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में। अब इसमें रिटन का एग्जामिनेशन होगा। अब पीटी में जो नहीं था वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं था, अब मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगा हिस्ट्री में, ठीक है जी, एक चीज इंक्लूड ये हो गया, चेंज हो गया थोड़ा, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया उसको। और दूसरा पीटी में जो क्वेश्चन आएंगे फैक्चुअल बेस आएंगे, फैक्चुअल पर कंसेप्चुअल, आजकल जो पूछने का तरीका हो गया कंसेप्चुअल भी, फैक्चुअल भी, ठीक है जी। लेकिन जो मेंस में हो गए 99% कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ओके ओके, मतलब आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी, उस सिचुएशन में आपको ये देखना है गलत क्या है और सही क्या है, मतलब कि केस स्टडी टाइप, केस स्टडी। जो मेंस का सारा पेपर है वो बेसिकली नॉलेज की परीक्षा कम लेना है, बल्कि आपके डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, आप सोसाइटी के लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, इकोनॉमिक्स लेवल पर, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है कि ये सिचुएशन है, इस पे आपका क्या डिसीजन होगा, कोई पॉलिसी चल रही है, जैसे किसान बिल हुए। हाँ जी, किसान बिल हुए तो बोलेंगे किसान बिल ठीक है या नहीं है, ठीक है जी, एक तो किसान बिल को एक्सप्लेन करना, ठीक है जी, और एक आपको बताना कि सही है या नहीं है, ठीक है, या वन रैंक वन पेंशन होगी। हाँ जी, ORP, ORP, या इंडिया का यूक्रेन के प्रति स्टैंड हो गया, ठीक है, कि यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हुआ उसमें इंडिया का स्टैंड क्या था, या इंडिया का स्टैंड हो गया इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ठीक है जी। तो इसमें कहीं से बुक से आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, या आपको खुद से ही आपको एनालिसिस करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है जी। और ये एनालिसिस होगा कि आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से चीजों को सोचे, समझे और उसके बारे में डिसीजन ले, ठीक है जी। ओके ओके, ये अंतर है पीटी और मेंस का, ठीक है सर। जीएस के 4 पेपर बता दिए सर आपने, इसके बाद सर मेंस में इसके अलावा और कितने पेपर रह गए सर? एक ऑप्शनल का पेपर होता है कि जैसे मान लो किसी ने बीकॉम की हुई है, बीएससी की हुई है, बीए की हुई है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए। जैसे मैं बीकॉम बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है जी, सीए पहले मैं करता था, ठीक है, लेकिन मैंने ऑप्शन चूज किया ज्योग्राफी, ठीक है जी, तो ज्योग्राफी से मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, ठीक है जी। मतलब जिस सब्जेक्ट पर भी पकड़ है, हाँ, आप उस सब्जेक्ट को उठा लेना चाहिए जहां लगता है कि मैं इसमें स्कोर कर, हाँ, सकता, स्कोर कर सकता हूं, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट उसे ऑप्शनल में उठाना चाहिए। एक या दो से कितने होते हैं ऑप्शनल में? एक होता है, ठीक है जी, 250 नंबर के तो होते हैं, 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, तो 1000 नंबर का जीएस और 500 नंबर का ऑप्शनल, मतलब कुल मिला के फिर 6 पेपर हो गए ना सर? हाँ ये हो गया। उसके बाद एक पेपर होता है एसे का, ओके, एसे राइटिंग, ठीक है जी, एसे का पेपर आ गया, 7वां पेपर, वो होता है 250 नंबर का, ठीक है जी। इसमें 2 एसे आते हैं, मतलब इसमें नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, सोसाइटी पर 2 एसे दिए जाते हैं, ठीक है जी, वो 2 एसे आपको करने पड़ेंगे 125 नंबर के। इसमें सर चॉइस भी आती है सर एसे में, बीच में से? अब चॉइस नहीं आती, पहले आती, पहले आते थे, ओके ओके, ठीक है सर। तो 4 पेपर जीएस के, 2 पेपर ऑप्शनल के, 6, 7वां एसे, 7 पेपर हो गए, 7 पेपर हो गए, ठीक है जी। इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का, 300-300 नंबर के, ठीक है सर, ओके, लैंग्वेज की मतलब, हाँ लैंग्वेज पेपर होते हैं, ये क्वालिफाई होते हैं, इनके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। लेकिन साथ में एक बात और बताऊंगा मैं कि अगर इनमें पास नहीं है आप तो बाकी पेपर में चाहे कितने भी अच्छे मार्क्स हो उनके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। क्वालिफाइंग का मतलब ये हो गया कि ये पेपर तो उसको पास करने जरूरी है बस,
33% नहीं, इसमें 25% मार्क्स लाइन जरूरी है सर। इसमें आई थिंक जो हिंदी कह रहे हैं वो हिंदी ऑप्शन होते हैं, कोई और लैंग्वेज उठा सकते हैं संस्कृत उड़िया? नहीं नहीं नहीं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेज आई थिंक सर उनमें से कोई भी एक। लेकिन जैसे मान लो आप हरियाणा के हो, हाँ जी हाँ जी, तो हरियाणा वाले हिंदी चूज करेंगे? हाँ ठीक है, अपनी कोई भी भाषा, अपनी कोई भी भाषा, मतलब इंग्लिश कंपलसरी है। हाँ। और हिंदी या बाकी जो हमारी संवैधानिक जो 24 जो भी भाषाएं हैं उसमें से आप कोई भी भाषा उठा के उसमें पेपर दे सकते हैं। हाँ, मतलब जो हिसाब स्टेट के हो, जो जिस स्टेट के आपको, ठीक है ओके। तो अगेन 4 GSK, 2 ऑप्शनल, 1 essay writing, 7 पेपर तो हो गए आपके कंपलसरी वाले जिसके मार्क्स जुड़ने हैं, 2 हो गए आपके इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज पेपर जो क्वालिफिकेशन बेस पे क्वालिफिकेटरी है जिसपे आपको 25% नंबर लेने जरूरी है, कुल 9 पेपर देने हैं, 2 क्वालिफिकेटरी, 7 कंपलसरी। और इतनी तैयारी करने के बाद में, इन पेपर्स को देने के बाद में आप मेंस एग्जाम में बैठते हो, और मेंस एग्जाम जब क्लियर करते हो देन आप इंटरव्यू की तरफ जाते हो, इंटरव्यू की तरफ जाते हो। और इंटरव्यू में सर क्या कुछ थोड़ा बताएंगे सर? अब इंटरव्यू मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था 2015-16 में, ठीक है जी। उसके बाद अभी मेरी उड़ान IAS से अभी 2 बच्चे IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं दिल्ली में, ठीक है जी। तो इंटरव्यू में 2 से 2500 से 3000 के बीच में लोग इंटरव्यू देते हैं, ठीक है जी, 2500 से 3000 के बीच में लोग इंटरव्यू देते हैं। इसमें इंटरव्यू में आपकी नॉलेज की परीक्षा नहीं ली जाती, इसमें ले जाता है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी सोशल इम्पैथी कैसी है, आपकी इमोशनल इम्पैथी कैसी है, आप दूसरे के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हो नहीं समझते हो, आप कितने ऑनेस्ट हो। एक्चुअली इंटरव्यू में अगर 100 क्वेश्चन पूछ लिए और 100 में से 60 अगर फैक्चुअल आपको नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है तो बहुत एज इफेक्ट करता है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस को भी परखा जाता है। इमोशनल भी होना जरूरी है और इंटेलिजेंट भी होना जरूरी है, भावना में गलत भी ना बहे, डिसीजन सही हो लेकिन भावनात्मक रूप से उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब इसमें क्या होता है कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक चेयरमैन होता है, बाकी 5 मेंबर होते हैं, ठीक है जी, वो जो पैनल में जो लोग बैठे पैनल में लोग होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी से, डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियो से, डिफरेंट टाइप ऑफ स्फीयर से, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं वो, ठीक है जी, उससे इवैल्यूएशन करते हैं। तो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, ओके ठीक है सर। पर टोटल कितने मार्क्स हो गए सर? टोटल हो गए 2025 मार्क्स मेंस और इंटरव्यू के मिलाकर 2025 नंबर हो गए। अब इन 2025 नंबर के ऊपर जो रैंक्स निकलेगी निकले, और आई थिंक हर साल सर 900 से 1200 के बीच में पोस्ट होती है, हर साल 900 से 1200 पोस्ट आती है, जिसमें से जो बच्चे जो इंटरव्यू देकर निकले वहां से जो नंबर बेस पे जिसके ज्यादा नंबर है वो टॉप रैंक में आ जाएगा, सर रैंक बनती जाएगी, ये होता है ना सर। तो सर समराइज हमारा कोर्स इस हिसाब से हुआ कि प्रीलिम्स क्वालिफिकेटरी हो गया, प्रीलिम्स में आप मेंस में एलिजिबिलिटी बनेगी आपकी बस, और 3-4 लाख लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, 20 से 25 हजार प्रीलिम्स पास करके मेंस में पहुंच गए, बस प्रीलिम्स का रोल वहां पे खत्म हो जाता है। अब मेंस के बच्चा पेपर देगा, क्वालिफिकेटरी सब्जेक्ट 2 लैंग्वेज पेपर पास करना जरूरी है, बाकी 7 पेपर के ऊपर जिसके मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर उसमें उसके ठीक ठीक नंबर आए हैं आई थिंक तो यूपीएससी इंटरव्यू का लेटर भेज देता होगा। अब इसमें एक बात और बताना चाहूंगा मैं, हाँ जी, यूपीएससी में कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं चाहिए, यूपीएससी के जो फर्स्ट रैंक भी होता है उसके 52-53% नंबर होते हैं, ओके, मतलब जो टॉप कर रहा है उसके 52-53% नंबर ही होते हैं, मतलब वो फर्स्ट डिवीजन लेनी है ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है बस, जो आ गया वो ठीक है। तो देन आप मेंस का पेपर देते हो सर, मेंस के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, फिर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। अब सर मुझे ये भी बता दीजिए कि ये पेपर होते कौन से महीनों में होते हैं आमतौर पे, और कब फॉर्म भरे जाते हैं इसके कैसे? एक्चुअली इसका फरवरी में फॉर्म भरा जाता है, अभी फॉर्म का सीजन चल रहा है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स का, ठीक है ओके। उसके बाद मई में पेपर होते हैं, इस बार 28 मई को पेपर है प्रीलिम, आपने फरवरी में फॉर्म भरा और आपको मई या जून, कई बार जून में भी होता है ना, मई जून में आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, वहां पे जाके पेपर में अपीयर होंगे। इसमें सेंटर चूज करने की आपकी फ्रीडम होती है, ठीक है जी, कहीं भी सेंटर आप चूज कर सकते हैं अपने आसपास जो सूटेबल हो, जहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके पहुंच जहाँ आपकी इजी है वहां जा सकते हो, ठीक है। उसके प्रीलिम में जो क्वालिफाई हो गया, हाँ जी, उसके बाद अगस्त सितंबर के आसपास उसके मेंस के फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है जी, उसमें पूरा उसका डेफ भरा जाता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कि कौन सा कैडर लेना चाहते हैं, जैसे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैडर होते हैं, ठीक है, मान लो कोई IAS बन गया तो IAS कोई हरियाणा लेना चाहिए, जैसे मैं हरियाणा का हूं तो IAS हरियाणा लेना चाहेगा, ठीक है, कोई पंजाब, तो प्रेफरेंस होती है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेट रहेगा, सेकंड पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, ऐसे इंडिया के पूरे स्टेट की लिस्ट होती है कि आप कौन कौन से नंबर पर भरे जाएंगे। लेकिन इसमें से एक गड़बड़ भी हो जाएगी कई बार, एक लड़की थी कोमल नाम था शायद उसका, ठीक है जी, तो उसकी आई थी ऑल इंडिया सेकंड रैंक, उसने लेकिन कोई कैडर नहीं भरा, ओके, अब उसने कैडर नहीं भरा तो वो अपनी मर्जी से देते हैं फिर वो,
उन्होंने उसको दे दिया केरला हरियाणा की लड़की को, ठीक है ठीक है। बाद में उसने हाईकोर्ट में चैलेंज किया लेकिन सुनवाई हुई नहीं, आपने जो भरा ही नहीं तो आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी, प्रेफरेंस बतानी जरूरी होती है, ठीक है। सर सितंबर अक्टूबर, अगर सितंबर अक्टूबर हाँ, में आपका मेंस का एग्जाम होगा और मेंस का फॉर्म भर दिया आपने, अक्टूबर में पेपर होगा, अक्टूबर में पेपर होगा, ठीक है। और दिसंबर में पहले फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ओके ओके। उसके बाद इनकी लिस्ट निकलती है, किसी का भी इंटरव्यू हो उसके 15 दिन पहले उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू इस डेट को होगा, ठीक है जी। और इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो पता नहीं होता कौन सा बोर्ड आपका इंटरव्यू लेगा, ठीक है जी। पहले कोई सेटिंग नहीं हो सकती, पहले कोई सेटिंग नहीं हो सकती, ठीक है जी, क्योंकि हर चीज बटी हुई है, ठीक है जी, ठीक है। और जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें फिर आपको पता ही नहीं होता कौन मेरा इंटरव्यू लेगा, सही है। और डायरेक्ट आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे, वो आपको पहली बार देखेंगे, आप उनको पहली बार देखेंगे, ठीक है ठीक है, ओके ओके। ये सर कब होगा सर इंटरव्यू? ये इंटरव्यू फरवरी से मार्च के लास्ट वीक तक होता है, फरवरी से मार्च के लास्ट वीक तक होता है, ओके ओके। अब सर मुझे एक क्वेश्चन है सर यहाँ पर, मैंने इंटरव्यू देना है, मान लो मेरा मेंस क्लियर हो गया, मुझे इंटरव्यू की कॉल भी आ गई, अब मेरे मन में ये डाउट है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा या नहीं होगा, मुझे जो रैंक मिलेगी वो मेरे अगर क्लियर भी तो मेरे को रैंक मेरे हिसाब से मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये जो प्रीलिम्स का जो अटेम्प्ट है मुझे दोबारा देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो देना तो मैं पहले ही फॉर्म भर सकता हूँ सर फरवरी, भरना पड़ेगा आपको, मतलब रिजल्ट आने से पहले फॉर्म भर सकता हूँ, भर सकते हो, मतलब आप हर साल अपना फॉर्म रिजल्ट से पहले भर सकते हो, कहीं ऐसा ना हो ना भी मैं इस उम्मीद में बैठा कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू क्लियर हुआ नहीं, फॉर्म भरने की डेट चली गई। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूंगा, हाँ जी, कि इसमें दो सर्विस ऐसी है कि अगर वो आपने चूज कर लिया, वो आपको मिल गई, तो उसके बाद आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, ओके। कि जैसे एक आईएएस होगी एक आईएफएस होगी, ठीक है जी, किसी की रैंक आईएएस में आ गई लेकिन रैंक आई 80-90, वो कैडर चाहता था हरियाणा पंजाब लेकिन मिल गया उसको मणिपुर, मणिपुर मिल गया, सही है, लेकिन वो मणिपुर नहीं चाहता था, तो मणिपुर नहीं चाहता था तो वो आईएएस बन गया तो मणिपुर ही मिलेगा उसको, ठीक है, पहली बार दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता, ओके ओके। लेकिन जो आईपीएस और आईपीएस के नीचे जितनी भी सर्विसेज हैं, आईपीएस आईआरएस आईआर एमएस, ये दोबारा पेपर भर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इससे भी मेरा क्वेश्चन रेज होता है सर, आपने बोला आईपीएस वगैरह, तो टोटल कितनी सर्विसेज सर, जैसे 900 से 1000 पोस्ट निकलती है मान लो, तो उसमें टोटल कितनी पोस्ट उसमें होती है सर? टोटल पोस्ट सर 23 पोस्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जितनी भी ग्रुप ए की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनके जो भी हेड होते हैं वो ज्यादातर इसी सर्विस के थ्रू जाते हैं, जैसे आईएएस तो आपको पता है सबको, हाँ जी, डीसी लगता है और लास्ट पोस्ट होती है कैबिनेट सेक्रेटरी रिटायरमेंट तक होता है, ठीक है। उसके बाद आईएफएस जो फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर वगैरह बनते हैं, डिप्लोमेट बनते हैं, ठीक है। आईपीएस में एसपी से लेकर डीजीपी तक पहुंचता है, ठीक है जी। उसके बाद आईआरएस होती है, आईआरएस में इनकम टैक्स कमिश्नर, ये जीएसटी का भी, जीएसटी का भी और इनकम टैक्स का भी, दोनों, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दोनों। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट पोस्ट होती है वो होती है एसडीएम डेनिक स्कैटर और एसीपी डेनिक स्कैटर, कि लास्ट रैंक पे दिल्ली में या यूनियन टेरिटरी में एसडीएम की पोस्ट लगती है उसको, ओके ओके ओके, ठीक है जी। मतलब इन शॉर्ट कि जो इंडिया की टॉप मोस्ट सर्विसेज है, इंडिया में जितने डिपार्टमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे हो गया, या फिर अपना रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, पोस्टल सर्विस हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट्स है उसकी जो टॉप की जो जॉब्स है वो यूपीएससी के इस एग्जाम के थ्रू उनकी अपॉइंटमेंट होती है। वो जो 900 से 1000 पोस्ट निकली है उसमें स्टार्टिंग की मान लो 80 से 100 तो आईएएस लग गए, उसके बाद के 80 100 जो भी पोस्ट निकली इसके अकॉर्डिंग कैटेगरी होती है। हाँ, जैसे जनरल कास्ट होगी, जनरल कास्ट में 80 से 90 रैंक तक होनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी में 250 से 300 रैंक होनी चाहिए, ठीक है। एससी में 550 से 600 रैंक होनी चाहिए, ओके ओके। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो, अलग अलग हो गई, तो वो टॉप के बंदे फिर आईएएस में चले गए, देन फिर आईपीएस में, फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, फिर इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विसेज में, सॉरी, देन फिर आगे धीरे धीरे करके ये 22-23 जो आप ग्रुप ए या लास्ट के आई थिंक ग्रुप बी भी है, ग्रुप बी भी, हाँ, तो उन पोस्टों में बंदे आप लोग जो कैंडिडेट बन सकते हैं। अगर आपको अपना ग्रुप अगर आप क्लियर हो जाते हो, आपको पोस्ट अपनी पसंद नहीं आती, देन आप अगेन फॉर्म भर के दोबारा आईएएस और आईएफएस को छोड़ सकते हैं। तो सर आई थिंक मेन क्वेश्चन के हमने जवाब दे दिए हैं, हम थोड़ा समराइज कर देते हैं, अगर आपको मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपसे प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा कि बीकॉम ने ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम का बच्चा क्या है आईएएस की परीक्षा दे सकता है, यूपीएससी की परीक्षा दे सकता है, और ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स आने चाहिए सर? ग्रेजुएशन के अंदर कोई मार्क्स की एलिजिबिलिटी नहीं, 35% है वो भी दे सकता है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है इंदर, हाँ जी, समय एसपीए, आपको मैंने वीडियो भी भेजी, हाँ जी हाँ जी, उसके 37% आए थे, ठीक है जी। हाँ, मतलब एक तो ये वहम निकाल दीजिए कि आप इंटेलिजेंट हो तो आईएएस कर लोगे, और अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आप आईएएस नहीं कर पाओगे। इंटेलिजेंट आई थिंक होना जरूरी है, मैं मार्क्स आना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन में आपके जितने भी परसेंट मार्क्स हो
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी है देन आप यूपीएससी में अपीयर हो सकते हो। और एज लिमिट आपको बता दी गई है, जनरल कास्ट में 21 से 32 साल, ओबीसी कास्ट में 21 से 35 साल और एससी एसटी के अंदर 21 से 37 साल। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जनरल कास्ट के अंदर 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के अंदर 9 अटेम्प्ट और एससी एसटी के अंदर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। विमेन्स के लिए अलग से कोई सुविधा नहीं है, सब वो इसी के अंदर गिनी जाएंगी। पेपर है वो 3 स्टेज में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के फॉर्म भरे जाएंगे फरवरी में, पेपर मई जून के अंदर होता है। मेंस के फॉर्म भरे जाएंगे अगस्त सितंबर में, पेपर अक्टूबर के अंदर होता है और इंटरव्यू आमतौर पे फरवरी मार्च के महीने में होता है। मतलब एक साल का पूरा प्रोसेस है और मेरिट बेस पे होगा। प्रीलिम्स आपका क्वालिफिकेटरी है, क्वालिफिकेटरी मतलब प्रीलिम्स में 2 पेपर है, पेपर 1 जीएस जनरल स्टडी जिसमें सिलेबस हमने डिस्कस कर ही लिया है, उसमें जितने नंबर आएंगे उस बेस पे आपका मेंस में सिलेक्शन होगा। पेपर 2 जो है वो सी सेट जिसको हम कहते हैं, उसमें आपने केवल 33% मार्क्स लेने हैं, जिसमें ये जनरल जो इंग्लिश हो गया या अपना कॉम्प्रिहेंशन वगैरह हो गए या मैथमेटिक्स हो गया, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर 1 के बेस पे आप मेंस में चले गए। मेंस में आपके 7 पेपर है जिनके बेस पे आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे। इसके साथ साथ के साथ 2 पेपर और है, लैंग्वेज के पेपर जो कि क्वालिफिकेटरी है, 25% मार्क्स ही आने जरूरी है। और इंटरव्यू में फिर नो डाउट आपकी जो पैनल बैठा है वो आपकी जजमेंट करेगा कि आप कैलिबर आप में है या नहीं है आईएएस आईपीएस इस तरह के जॉब्स में जाने का। आई थिंक यही मेन सर समरी है। तो आपको ये वीडियो कोशिश करनी है कि जितने हो सके जितने एस्पायरेंट्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, आपके साथी हैं या आप खुद स्टूडेंट हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं जो इस कोर्स के बारे में जान सके। इसके अलावा आने वाली वीडियोज में बाकी और जितने करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी हम आपके सामने आते रहेंगे। और फाइनली हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अभिषेक सर का कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे बच्चों को ये अपनी तरफ से पूरे कोर्स को आपने आई थिंक डिटेल में समझाया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट्स के अंदर उसका रिप्लाई दें। थैंक यू।